जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम, भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम, सुतदारा परिवार हैं जितने, सबके प्रेम बतौर हैं सपने, अनंत समय कोई नहीं अपने, बहु पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, वेद वेदांत पुराण बताए, सदाचार सत्संग गहाए, ध्यान योग का भेद बताए, ज्योति जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम, भक्तों पर हैं तुम्हारे लोचन, संकट तारण शोक विमोचन, गुरु तुम ही पापों के मोचन, गुरु तुम ही
शब्द भेद बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। दीनों की विनती सुन लीजे, किंकर जान कर कृपा कीजे। दर्शन अपना हरदम दीजे, यम त्रास मिटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरुजी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, बच्चे करके कान बंद करके सुनो। गुरु महाराज की अपार दया मेहरबानी, कमजोर शरीर है और आज कान में उंगली लगाते ही 21 जनवरी 2021 को रुई कपास जिसको कहते हो थोड़ा सा ले लो, के समय में वाले तेल में भिगो के और दोनों आप सभी प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से की बाहर की आवाज दर्शन का अवसर मिला। जब उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी होती है तो ये मानो मंदिर, तब ऐसा अवसर जीवन में मिलता है। कान मुझे सब दरवाजा, जब सत्संग की दो बातें सुनने को मिलती है। देखो कथा भागवत प्रवचन ये अलग होता है और सत्संग ये अलग होता है। सत्संग जब से मिलना बंद हुआ तब से देखो घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, वैमनस्य ईर्ष्या द्वेष, चोरी चकारी, अपहरण बलात्कार, यह सब बढ़ गया। सत्संग जब मिलता था तब हर तरह की जानकारी लोगों को मिलती थी, धर्म क्या है, कर्म क्या है, देवी देवता कौन है, परमात्मा कौन है, आत्मा क्या है, मनुष्य शरीर का कितना महत्व है, जानवरों का शरीर किस तरह का है, क्यों बनाए गए, इन सारी चीज़ों की जानकारी सत्संग से मिलती है। लेकिन सत्संग होना हो गया बंद, तो अब आदमी ने केवल एक निशाना बना लिया, ना समझे में ना जानकारी में, कि शरीर को स्वस्थ रखो, अच्छा खाने का इंतजाम करो, इसको सुंदर कपड़ा पहनाओ, अच्छे मकान में रहो, गाड़ी घोड़ा में चलो, उसी में सम्मान है, उसी में इज्जत है। अब आप इस बात को समझो कि इसी चीज़ को बनाने और करने में दिन रात लगा रहता है और शरीर से पाप भी इसी के लिए कर डालता है,
कुछ तो जान में कर डालते हैं, कुछ अनजान में भी कर डालते हैं, लेकिन जब सत्संग मिलता है तब इस बात की जानकारी होती है कि आप खाने पीने और मौज मस्ती के लिए नहीं पैदा हुए हो। आपका स्थान इस मृतलोक में सबसे ऊंचा स्थान है। आप पांच तत्वों के शरीर में हो और जितने भी जीव कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू ये हैं, हाथी घोड़ा गाय बैल भैंस सुअर ये जितने भी हैं, इनके अंदर वो पांचों तत्व जो आपके अंदर है वो नहीं है। बुद्धि विवेक उनके अंदर नहीं है। खाते वो भी हैं, सोते वो भी हैं, देखते वो भी हैं, सुनते वो भी हैं, आप समझो कि संडास पेशाब वो भी करते हैं, बच्चा पैदा करने का काम वो भी करते हैं, लेकिन उनके अकल बुद्धि नहीं है। अब जब से आदमी अकल बुद्धि मारी जाने का काम करने लग गया तब से ज्ञान खत्म हो गया। पशुओं जैसा व्यवहार आदमी करने लग गया, कोई नियम नहीं, कोई संयम नहीं, जो असिला धर्म मानव धर्म उसको छोड़ दिया, जो सत्य अहिंसा सेवा परोपकार ये जो मानव धर्म असिला धर्म था मनुष्य का, जिसको कुदरत ने प्रकृति ने बनाया उसको छोड़ दिया और अपने अपने इच्छानुसार धर्म बना लिए, मत मतांतर बना लिए, जगह जगह मठ मंदिर बना लिए, जगह जगह लोगों को भरमाने लग गए, भटकाने लग गए, लोगों को पूजा पाठ जो असल था छुड़वा करके और ये दिखावटी पूजा में लगा दिया। इस चेतन शरीर को जिसके अंदर चेतन जीवात्मा है उसको जड़ की पूजा में लगा दिया, इधर उधर भटकाने में लग गए, अयोध्या चले जाओ, काशी चले जाओ, बनारस चले जाओ, भगवान मिल जाएंगे। अब आदमी ऐसे भटकता दौड़ता रहता है, अयोध्या पहुंचा तो कहा भगवान कहाँ मिलेंगे, बोले यहाँ भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान राम तो गुप्त हो गए शारजू में। तब कहा तब क्या करें, तो चले जाओ काशी, शायद वहाँ मिल जाएं। वहाँ गए, उन्होंने कहा कि तुम द्वारिका धाम चले जाओ, वहाँ मिल जाएंगे। वहाँ गए तो कहा कि तुम हरिद्वार चले जाओ, बद्रिकाश्रम चले जाओ, वहाँ मिलेंगे। अगर इच्छा भी जगी कथा सुन करके, राम कथा कृष्ण कथा महाभारत की कथा सुन करके, अगर कुछ जानकारी भी हुई, ज्ञान भी हुआ कि भगवान की प्राप्ति अगर हो जाए तो भगवान का बनाया हुआ यह सारा साजो सामान दुनिया का है वो तुमको मिल जाएगा, इसकी जानकारी भी अगर हो गई तो वो बस ऐसे भटकता रहता है, कोई बताने वाला नहीं मिलता है, संत मिलते नहीं हैं, सत्संग मिलता नहीं है, तो जानकारी इस बात की नहीं हो पाती है कि कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आज तक जिसको मिला इसी मनुष्य शरीर में मिला, मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद न तो किसी को भगवान मिला न मिलेगा। जब इसकी जानकारी नहीं होती है तो भटकते भटकते बस जीवन लीला आदमी ख़त्म कर लेता है। आप ये समझो कि जितने लोग आप बैठे हुए हो सबको श्वास की पूंजी मिली है, श्वास आपको खर्च करना है, गिन करके पूंजी मिली हुई है, लेकिन आप जितने भी लोग हो आपकी उम्र अलग अलग बीतेगी। कोई देखो 90 साल 100 साल तक जिंदा रह जाता है, कोई 50-60 साल तक रहता है, कोई 18-20 में ही चला जाता है। तो नियम नहीं जानते कि कैसे श्वासों को खर्च करेंगे, बैठे 12 बैठेंगे तो कम खर्च होगा, चलेंगे ज़्यादा खर्च होगा, 18 सोवे से 36 रज क्रिया से दूनी हो गई, यानी बैठेंगे तो कम खर्चा होगा, चलेंगे तो 18 सोएंगे तो 36 बार खर्च होगा, वही 72 बार खर्च हो जाता है जब भोग में बिताते हैं। तो जब नियम संयम नहीं मालूम होता है लोगों को तब आदमी की जीवन लीला जल्दी ख़त्म हो जाती है। और आप ये समझो कि
इस शरीर के लिए जो कुछ करता रहता है आदमी, घर मकान बनाता रहता, रुपया पैसा इकट्ठा करता रहता है, यहाँ तक कि बाल बच्चों को भी आदमी इसी नियत से पालता पोसता बड़ा करता है कि बुढ़ापे में हमारे मददगार होंगे, शरीर की हमारी सेवा करेंगे, दो रोटी कमा करके लाएंगे, खिलाएंगे, लेकिन शरीर भी साथ छोड़ देता है। अब जब शरीर काम के लायक नहीं रहता है तो परिवार वाले भी आखिरी वक्त पर जब कर्मों की सजा मिलने लगती है, जब तकलीफ आती है, वो भी उब जाते हैं। सेवा करते करते वो भी ये सोचने लगते हैं कि दुनिया संसार से अब चले ही जाते तो ठीक था, इज्जत बची रह जाती कि सेवा किया, घर वालों ने धन संपत्ति को लिया तो सेवा किया, इसलिए ये दुनिया संसार से चले ही जाते तो ठीक था, ऐसी उम्र आ जाती है। और एक दिन ऐसा होता है कि सब कुछ छोड़ करके और दुनिया संसार से चला जाना पड़ता है, क्योंकि धरती का नियम यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है। आप देखो कृष्ण भगवान चले गए, मनुष्य शरीर में थे, आपके यहीं पर देखो बहेलिया ने मारा तीर, ना समझी में मारा, ना जानकारी में मारा। जब आखिरी वक्त उनका आया, गए हुए थे, बैठे हुए थे, पदम का निशान था, बहेलिया अनिशिकार खेलने के लिए गया था, पदम के निशान को मृगा की आंख समझ करके और तीर चला दिया और पैर में लगा और शरीर छोड़कर चले गए। कहते हिल्ला रोजी बहाने मौत, देखो मौत आती है किसी न किसी बहाने आती है, नहीं कुछ हुआ तो दो चार बार लेटरिन ही जाना पड़ा और शरीर छूट गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, कोई ना कोई बहाना यानी बनता है, वो अपने ऊपर नहीं लेता है कि भगवान ने मार दिया या ले लिया, शरीर बनाने वाला अपने ऊपर नहीं लेता है, तो कारण बना और कारण बना चले गए। देखो भगवान राम अयोध्या में रहते थे, जब समय आया और भाई उनसे नाराज हुए लक्ष्मण, लक्ष्मण को यानी जब उन्होंने बुरा भला कह दिया और उन्होंने कहा भाई नाराज हो गए, अब हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए, तो भगे साधु की तरफ गए और कूद गए, उनके पीछे भगवान राम भी चले गए। खोजने के लिए अंदर गए, निकले ही नहीं, गुप्त हो गए। यानी लोग कहते हैं ये गुप्तार घाट है, यहाँ पर भगवान राम गुप्त हुए थे। आप देखो कबीर, गोस्वामी, पलटू, नानक, जितने भी महापुरुष रविदास आए, सबको जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये मृत्युलोक है, मृत्युलोक में जो भी पैदा होता है जाना सबको पड़ता है। अब आप ये समझो कि जब जाने का वक्त हो गया और चला गया, तब शरीर की कोई कीमत रह जाएगी? कोई कीमत नहीं। फिर इसको 2 घंटा भी घर में लोग नहीं रखने देते हैं, कहते हैं ले जाओ जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। इस सुंदर शरीर को, हीरा जैसी काया जिसको कहा गया, इसको मिट्टी कहने लगते हैं, हाँ ले जा करके जला करके राख कर देते हैं। अब आप सोचो कि यह धन, यह संपत्ति, ये रुपया पैसा, ये बच्चे, उसके कोई काम आते हैं? कोई काम नहीं आते। इसलिए इसी में मत फंसे रहो। आप सोचो कि शरीर को चलाती कौन सी ताकत है, कौन सी शक्ति है? जीवात्मा। तो वो नरकों में न जाने पावे, वो मार न खाए। अब आपको जीवात्मा के बारे में बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, बताना पड़ेगा, ये परमात्मा की अंश है, बहुत छोटा टुकड़ा, इन बाहरी आँखों से आप देख नहीं सकते हो। और देखो यही आत्मा जो ये शरीर के अंदर है और जो शरीर यह काम करता है, वही काम पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी करते हैं, तो यही आत्मा उनमें भी है। अलग अलग आत्माएं नहीं हैं,
अलग अलग आत्माएं होती तो कोई खाता ही नहीं, कोई पानी पीता ही नहीं, कोई मलमूत्र त्याग करता ही नहीं, कोई बच्चा पैदा करता ही नहीं। इसलिए एक ही सिस्टम उसने बनाया, सबका बनाया। और समझो जीवात्मा भी उस मालिक ने सबके अंदर एक ही तरह की डाली। आप देखो बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो जाते हैं, कौन सी चीज निकल गई। आप समझो कि हार्ट का भी ऑपरेशन कर देते हैं, लंग्स का भी कर देते हैं, किडनी निकाल करके लगा देते हैं, लीवर भी बदल देते हैं, आदमी जिंदा रहता है। लेकिन क्या निकल जाता है कि जिससे इस शरीर में सड़न गलन पैदा हो जाती है, ये गिर जाता है, इसका पता कोई भी नहीं लगा पाया। तो ये जो पावर है, ये जो शक्ति है, उस शरीर बनाने वाले ने अपने हाथ में रखा है। तो यह परमात्मा की अंश जीवात्मा, इसके लिए हमने अपने माँ के पेट में मालिक से शरीर को मांगा था। क्योंकि माँ के पेट में आप जितने भी लोग हो, सब लोग एक दिन रहे, हम भी रहे। उस समय पर पिछले जन्म में कहाँ थे, यह सब दिखाई पड़ता था। जो मार खाए नरकों में, जो 84 में चक्कर काटे, सब दिखाई पड़ता था। और माँ के पेट की गर्मी तपा रही थी, गर्म कर रही थी, बदबू बराबर आ रहा था नाक में। ऐसे समय पर प्रार्थना किया था, प्रभु निकालो। आप समझो उस समय पर माँ के पेट में 3 जन्म की जानकारी रहती है। एक पिछले जन्म में हम कहाँ थे और दूसरे इस समय कहाँ पर हैं, ये ज्ञान रहता है कि माँ के पेट में हैं, बंधन में हैं, निकल नहीं सकते अपने मन से, जेल खाना की तरह से हैं, इसकी जानकारी रहती है। और एक यह भी जानकारी रहती है कि जब हम बाहर मनुष्य शरीर में आएंगे और समर्थ गुरु को खोजेंगे, उनसे रास्ता लेंगे, तभी हमारी आत्मा का कल्याण होगा, तभी हम नर 84 से छुटकारा पाएंगे, हमारा मानव जीवन पाने का लक्ष्य सार्थक होगा। जिसके लिए देवता तरसते हैं, शरीर नहीं मिलता है, वो हमारा शरीर जो रहेगा वो देव दुर्लभ शरीर माना जाएगा। इसकी जानकारी माँ के पेट में बराबर रहती है। यह भी जानकारी रहती है कि केवल मनुष्य शरीर के अंदर ऐसा रास्ता है कि जिससे भगवान का दर्शन किया जा सकता है, देवी देवताओं का दर्शन किया जा सकता है, उनकी आवाज़ को सुना जा सकता है। तब प्रार्थना करता है, प्रभु निकालो। यह भी जानकारी रहती है कि यही बना करके हमको तैयार करके बाहर निकाल सकते हैं। प्रभु निकालो, निकालो, निकालो। हम बाहर निकल करके होश संभालते ही सदगुरु को खोजेंगे, उनसे रास्ता लेकर अपना काम बनाएंगे। आप ये समझो कि बाहर निकले लेकिन वादा भूल गया, सदगुरु की खोज नहीं किए, कहीं धर्म कर्म की बातें भी सुनी, कोई धार्मिक किताब भी पढ़ा, तो जिसमें लिखा हुआ है कि गुरुबिन भव नित्य रहन कोई, जो बिन शंकर सम होई। कबीर साहब ने लिखा कि समझो निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले 1000 और एक निगुरा के शीर्ष पर 1,00,000 पापी का भार। गोस्वामी जी ने तो कहा कि चाहे अनि ब्रह्मा विष्णु की तरह भी हो कोई, लेकिन बगैर गुरु के पार नहीं हो सकता है। कोई भी देवता आप देखो, जितने भी हुए अवतारिक शक्तियाँ जितनी भी हुई, सब लोगों ने गुरु किया। आप देखो राम ने भी गुरु किया, कृष्ण ने भी गुरु किया। आप देखो कबीर गोस्वामी जितने भी आए, सब लोगों ने गुरु किया। तो गुरु के बगैर तो कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता है। और कबीर साहब ने कहा कि निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले 1,000 और एक निगुरा के शीर्ष पर 1,00,000 पापी का भार। कहा 1,00,000 पापियों का बोझा निगुरा के सिर पर होता है। निगुरा को ही जो दीक्षा नहीं लेता, मंत्र नहीं लेता, गुरु नहीं करता है। तो जब ये सुना तब कहा भाई गुरु अब खोज कर लो किसी न किसी को, तो गुरु किसी न किसी को कर लेता है। अब जिसको जो रास्ता जहाँ तक का मालूम होता है वो वहाँ तक का बताता है।
जो मास्टर जितनी जानकारी वाला होता है वहीं तक की पढ़ाई को वो पढ़ाता है और पढ़ा सकता है। जैसे 5 दर्जा पढ़ाने वाले मास्टर जी को कहो 10 दर्जा वाले को पढ़ा दो तो पढ़ा नहीं सकते हैं। ऐसे ही आदमी बस यही सोच लेता है कि हमने गुरु कर लिया, कंठी बंधवा लिया, छाप लगवा लिया, सिर मुड़वा लिया, कपड़ा बदल लिया, तो अब हमारा काम हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। लेकिन ये देखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि अंधा गुरु बहरा चेला और दोनों नरक में ठेलम ठेला। अंधा गुरु किसको कहते हैं? जिसकी अंदर की आँख खुली नहीं होती है, जो अंदर से बहरा होता है, अंदर का कान नहीं खुला हुआ होता है। आप ये समझो, जो अन्य नरकों को नहीं देखता है वो नरकों से कैसे बचा सकता है? जो स्वर्ग को नहीं देखता है, ब्रह्म पारब्रह्म लोकों को नहीं देखता है, सतलोक को नहीं देखता है, उधर कैसे ले जा सकता है? वो तो जहाँ तक उसकी पहुँच होती है वहीं तक पहुँचाएगा। और कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। कर्म का विधान से ये जो बनाया गया कोई बच नहीं सकता है, सबको सजा मिलती है। देखो प्रेमियों, भगवान ने तो आज़ाद कर दिया, हाथ पैर आँख कान सब कुछ बनाने के बाद आपको आज़ाद कर दिया। हाथ से अच्छा करो बुरा करो, पैर से अच्छे काम के लिए जाओ बुरे काम के लिए जाओ, आँख से अच्छा देखो बुरा देखो, कान से अच्छा सुनो बुरा सुनो, कर्म करने के लिए तो आज़ाद कर दिया, लेकिन सजा अपने हाथ में रखा। महात्माओं को भेज दिया, संतों को भेज दिया, समय समय पर कहा जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़ाई असुरों अधम अभिमानी, तब तब धर्म पर मनु शरीर, कहा ना लिखा हुआ है, यदा यदा है धर्मश्री ग्लानिर्भवत भारत अर्भुत्थानम धर्मश्री तदात्मानम सृजाम हम। श्रीमद भागवत में भी लिखा है अथसो युग संध्याम दस प्राय सुरा जासु तदा नाम ने कल के जगतपति वाता है। अब उनको औतारिक शक्ति के रूप में भेज दिया, आइए समझो कि उनको संत महात्माओं के रूप में भेज दिया। तो अब ये जो लोग आए इन्होंने जहाँ तक की जैसी जानकारी थी वहाँ तक का रास्ता बताया। अब आप ये समझो कि गुरु गुरु तो सब एक समान होते हैं, लेकिन गुरु गुरु में भी भेद होता है। माता पिता को भी गुरु कहा जाता है, काका गागा ये भी सीढ़ी पढ़ने पढ़ाने वाले को भी गुरु कहा जाता है। आप समझो कि कान फूकने वाले कंठी बांधने वाले को भी गुरु कहा जाता है, लेकिन सतवां गुरु सत शब्द लिखा हुआ। अब जहाँ का जो तहाँ पहुँचा हुआ, जो शब्द भेदी गुरु होते हैं, जो उस ऊपर से आ रहे शब्द को सुनते हैं और सुनने का रास्ता बताते हैं, जिसको अनहद वेदवाणी कहा गया, आकाशवाणी जिसको कहा गया उसको सुनने का रास्ता बताते हैं, जो ऊपरी लोगों के दृश्य को स्वर्ग वैकुंठ को देखते हैं, समझो कि वो जो देखने का रास्ता बताते हैं और समर्थ गुरु हुआ करते हैं, सदगुरु हुआ करते हैं। तो आप देखो यह भी हमेशा आते रहे इधर 700-750 वर्षों से। आप देखो कबीर साहब आए, गुरु नानक साहब आए, आप देखो रविदास साहब आए, आप देखो भीखा साहब आए, आप देखो तमिलों की यारी साहब आए, आप देखो ये राधा स्वामी महाराज आए, आप देखो विष्णु दयाल जी आए, गोरेलाल जी महाराज आए और हमारे गुरु महाराज आए। ये बराबर आते रहते हैं, संत आते रहते हैं। अब जहाँ जैसी परिस्थिति जब जिस समय की होती है उस हिसाब से इनको पावर मिलता है। मनुष्य के शरीर का नाम गुरु नहीं होता है, उनके अंदर जो पावर शक्ति होती है यानी समझो वो काम करती है। देखो कहा गया कि यानी पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका वह अर्जुन वहवान। अर्जुन को महारथी माना जाता था, यानी समझो कि महाभारत के हीरो कह लो वो थे, लेकिन भीलों ने लूट लिया गोपिकाओं को, वही अर्जुन थे, वही यानी बाण उन धनुष उनके पास था।
लेकिन बचा नहीं पाए तो शक्ति खींच ली जाती है। शक्ति जब दी जाती है ऊपर से, तब ये महापुरुष जो आते हैं काम करने के लिए वो काम करते हैं। आप देखो रावण इतना विद्वान बलवान था, उसको राम मार नहीं सकते थे, लेकिन परशुराम से जब उन्होंने दो शक्ति मांगा, दो कला मांगा, तब उसके द्वारा रावण को उन्होंने मारा था। आप समझो कि बाली को मार नहीं सकते थे, क्योंकि वो वरदानी था, उसको वरदान मिला हुआ था, उसने मांगा था वरदान तपस्या करके कि हम लड़ाई में जिसके सामने आवे, हमारे सामने जो आवे उसका आधा बल मेरे अंदर आ जाए, मेरा बल मेरी ताकत तो रहे ही रहे लेकिन उसका भी मेरे अंदर आ जाए आधा। तो जबरदस्त पड़ता था तो पेड़ की ओट से मारे। आप समझो कि कृष्ण भगवान भी सुपच्छ जो उस समय के संत थे उनके निर्देश के अनुसार चलते थे, उनको गुरु की तरह से मानते थे। संदीपनी गुरु तो उनके थे, जैसे विद्या गुरु आप समझो राम के विश्वामित्र थे, कुल गुरु वशिष्ठ थे, ऐसे ही संदीपनी गुरु उनके विद्या गुरु तो थे, लेकिन सुपच्छ उनके संत गुरु थे। सुपच्छ से वो ताकत ले करके, प्रार्थना करके और दया ले करके काम करते थे, लेकिन जब नहीं माना पांडव को देने के लिए जमीन हक, कौरवों ने बहुत समझाया, कौरव नहीं माने, तब उन्होंने कहा कि अब तो महाभारत करा करके दुष्टों का विनाश करना ही पड़ेगा, क्योंकि दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए उनको भेजा गया था। तो जब उन्होंने कहा कि अब ये नहीं मानेंगे, तो प्रार्थना किया सुपर से कि अब आप अपनी दया की धार को खींच लीजिए, दया जो आप बरसा रहे हो इनके ऊपर, अब दया मत बरसाओ। तो आप ये समझो कि ताकत मिलती है, किससे मिलती है? उस वक्त के संतों से मिलती है, संतों का दर्जा सबसे ऊंचा होता है, अवतारिक शक्तियाँ अलग होती हैं, ऋषि मुनि अलग होते हैं, योगी योगेश्वर अलग होते हैं, संत अलग होते हैं, संत सबसे बड़े होते हैं। तो संत हमेशा रहते हैं, कभी गुप्त रूप में रहते हैं, कभी प्रकट रूप में आ जाते हैं। जब अत्याचार पापाचार दुराचार कम रहता है तो एक जगह बैठ करके संभाल करते रहते हैं, उस समय पर धर्म की स्थापना के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, जिनको काम मिलता है ऊपर से उनकी मदद करते रहते हैं। और जब ये ज़्यादा हो जाता है तब वो प्रकट रूप में आ जाते हैं और शक्ति ऊपर से मिलती है, तो शक्ति का नाम है गुरु। हाण मांस के शरीर का नाम गुरु नहीं है। अगर हाण मांस के शरीर का नाम गुरु होता तो ये शरीर किसी को छोड़ना ही नहीं पड़ता और एक ही गुरु पूरे रहते। तो आप इस बात को समझो कि गुरु जो सच्चे गुरु समर्थ गुरु होते हैं वो जीवात्मा का कल्याण करने का रास्ता बताते हैं, कराते हैं और मदद भी करते हैं। आप लोग बच्चे और बच्चियों कथा भागवत में सुनते हो, आप प्रवचन में सुनते हो कि अच्छा काम करोगे शरीर से, दिल दिमाग से, मन से, तो स्वर्ग और वैकुंठ में जाओगे, और बुरा कर्म करोगे तो नरक जाओगे। ये सुनते हो, लेकिन अगर कोई बुरा कर्म कर ही डाला तो नरक जाने का निश्चित हो गया, तो नरकों से बचेगा कैसे? आप समझो, चाहे जान में बुरा किया चाहे अनजान में किया, सजा तो मिलनी है। चाहे जहर जान करके खाओ चाहे अनजान में खाओ, तो मरना तो है ही, तो उस सजा से बचेंगे कैसे, बचाएगा कौन? तो वो काम करते हैं संत सद्गुरु। तो हमारे गुरु महाराज पूरे संत थे, इन्होंने लोगों का लोक भी बनाने का काम किया और परलोक बनाने का भी काम किया।
अब लोक बनाना किसको कहते हैं? कहते हो अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, लोग इनको प्रणाम सलाम करते हैं, ये सरपंच हैं, ये मुखिया हैं, ये MLA हैं, ये MP हैं, ये बिरादरी के मुखिया हैं, अन्य ऊंचा जगह मिलता है, उनको लोग सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं उनको, तो कहते हो कि इनका लोक बना हुआ है। पर लोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो ये मृत्यु लोक है, इसके ऊपर बहुत से लोक हैं, ये चंद्र लोक, सूर्य लोक, शिव लोक, ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, इनकी माँ आद्या महाशक्ति उनका लोक, इनके पिता ईश्वर लोक, ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म लोक, सत लोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत सारे लोक हैं। तो जो वहाँ जाने का रास्ता बतावे और वहाँ जाने में मदद करे, यानी आप ये समझो कि वो संत सदगुरु हुआ करते हैं, तो गुरु महाराज पूरे संत सदगुरु थे, इन्होंने रास्ता भी बताया लोगों को और रास्ते पर भी चलाया, और कितने जीवों को अपने घर, अपने मालिक के पास, अपने पिता के पास पहुंचा दिया। अब आप देखो प्रेमियों, आप कहते हो ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारी माताजी हैं, ये हमारी सासू जी हैं, ये हमारी बहू रानी हैं, लेकिन यही बहू रानी कभी सास बनी थी, कभी लड़की बनी थी पिछले जन्मों में, यही पिताजी कभी बेटा बने थे, कभी पोता बने थे, कभी पोता दादा बना था, ये आपको नहीं मालूम है कौन किस जन्म में क्या था, लेकिन आप आज समझो कि इनको मानते हो कि ये इस तरह के हैं। तो आप ये समझो कि गुरु महाराज ने लोगों को अपने घर, अपने वतन पहुंचा दिया। जिस मिट्टी और पत्थर के घर को आप अपना इस वक्त प्रमाण मान रहे हो, इसी घर में तो पिताजी दादाजी भी चले गए अपना कहते कहते, कैसे आपका हो सकता है? ये आपका नहीं होगा। अपना घर कहाँ है जहाँ से फिर वापस आना ना हो? जैसे कहते हो कि किराए का घर का कोई ठिकाना नहीं है, उसको कभी भी छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन अपने घर जब पहुंच जाते हो कहते हो ये मेरा घर है, ये भौतिक घर की बात कर रहा हूँ, ऐसे आपका घर सतलोक में है। जब वहाँ पहुंच जाओगे तब नीचे नहीं आना होगा, तभी मुक्ति और मोक्ष होगा। शमशान घाट पर देखो मुक्ति और मोक्ष लिखा रहता है, मोक्ष धाम, मुक्ति धाम। कोई मुर्दा लेकर जाए और कोई दिक्कत आ जाए जलाने में तो घर वापस लाता है कि चलो आज घर वापस ले चलें कल जला देंगे? नहीं आता है, जला करके ही आता है। तो जहाँ से वापस ना आना हो वही मुक्ति धाम होता है, मोक्ष धाम होता है, और वहाँ पहुँच जाना मुक्ति मोक्ष कहलाता है। तो ये जीवात्मा वहाँ पहुँच जाए। अब यह काम गुरु महाराज ने किया हमारे, और जाने से पहले मेरे लिए कह कर गए थे कि ये पुरानों की संभाल करेंगे, नए को नामदान देंगे। दोनों काम अब हमको करना पड़ रहा है। यह नामदान देना ये बड़ा कठिन काम है, बहुत मुश्किल काम है। कर्मों का लेना देना, अन्य समझ गंदगी का धोना, ये बहुत कठिन काम है, सबसे कठिन काम दुनिया में हमको यही लगा। लेकिन हम गुरु का आदेश, चाहे रैन में हो, चाहे बैन में हो, चाहे सैन में हो, उसका पालन करना ही गुरु भक्ति होती है। तो नामदान भी देता हूँ और पुराने लोगों की संभाल भी करता हूँ। तो संभाल के लिए आप ये समझो कि खान पान, चाल चलन के बारे में जो बताता हूँ सब के लिए, उनसे भी कहता हूँ कि इसको भाई आप सही रखो, नियत सही रखो कि जिससे आपके बरकत में कोई कमी ना आए। साथ ही साथ आपको गुरु महाराज जैसे समर्थ गुरु मिले हैं, उनको आप पहचानने की कोशिश करो। हाण मांस के शरीर में तो उनको आपने देखा, पहचाना, और दुनिया की चीज़ों को आपने मांगा और उन्होंने आपकी पूरा किया, दिया आपको, लेकिन अंतर की चीज़ को आपने नहीं मांगा और अंतर में गुरु का दर्शन आपने नहीं किया। अगर गुरु का दर्शन अंतर में होने लग जाए तो आपको विश्वास हो जाएगा। विश्वास कब होता है? जब अंतर में गुरु की महिमा को प्रेमी देखता है।
जैसे रानी इंदुमती ने कबीर साहब का दर्शन अंतर में किया तो देखा कि सचखंड में बैठे हुए हैं, यही पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। तब बोली कि अगर आप हमको मृत लोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। तब उन्होंने कहा तुझको विश्वास न होता कि मनुष्य शरीर में भी इतनी शक्ति होती है, मनुष्य भी परमात्मा रूप हो सकता है, इसलिए तुझको मैंने रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और ला करके ये जलवा दिखाया, तेरी मदद किया कि नहीं किया। तब चरणों पर गिर पड़ी, बोली आपके मदद के बगैर तो मैं एक कदम आगे बढ़ ही नहीं सकती थी, क्योंकि आप देखो आपके गांव में और बहुत से आदमी हैं लेकिन वो लोग नहीं आए और आप यहाँ पर आए, जाओगे बताओगे कहोगे भाई ये बातें सुनाई गईं बताई गईं आपको तो सुनने लायक था। सब कहते क्या करें, चलना तो चाहते थे लेकिन ये दिक्कत आ गई, दुकान पर ग्राहक आ गया, घर में मेहमान आ गया, बच्चा रोने लग गया, किसी को तकलीफ हो गई, कुछ हो गया कि वो कोई ना कोई परेशानी बताएगा, बाधा वो डालेगा। मैंने शुरू में कहा आप भाग्यशाली हो कि जिनके ऊपर दया हुई आपको घर से निकाल करके वो मालिक यहाँ ले आया, बाकी लोग उस दया से महरूम हो गए, नहीं आ पाए, बाधा बहुत आई। तो जैसे अच्छे काम में बाधा आती है, भजन ध्यान में बाधा आती है, कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है, तो इसी तरह से अंदर में भी चढ़ाई में भी दिक्कत आती है, रोक टोक होता है वहाँ भी। गुरु अगर मददगार न हो तो एक कदम आगे कोई न बढ़ पावे, तो गुरु वहाँ के भी मददगार होते हैं, सदगुरु वहाँ के भी मददगार होते हैं। तो आप ये समझो कि यानी पहचान अंतर में होती है प्रेमियों। तो जब आप नामदानी गुरु महाराज के जो लोग हो, आप जब साधना करोगे, ध्यान लगाओगे और भजन जब आप करोगे, तब गुरु की पहचान आपको हो जाएगी, तब आप भूल और भ्रम में नहीं रहोगे। कोई कितना भी भ्रम आवे आप भ्रम में नहीं पड़ोगे, और अगर ध्यान भजन साधना नहीं करोगे, गुरु को नहीं समझ पाओगे, गुरु को मानुष जानोगे, तो आप ऐसे भटकते रह जाओगे, आपका समय निकल जाएगा और वो आपके कोई संभाल करने वाला, आपको काल के गाल से बचाने वाला नहीं मिलेगा। और फिर अंत में जैसे जुआरी सब कुछ अपना हार करके और फिर निराश होकर के उधर से लौटता है, ऐसे ही आपकी यह जीवन लीला निराशा में ख़त्म हो जाएगी आखिरी वक्त पर। जब ये हो जाएगा कि अब मौत आने ही वाली है, जैसे ये हो जाता है कि अब फल पक गया, गिरेगा ही, लक्षण जब आपके शरीर के कमजोरी के आ जाएंगे तब आपको आभास हो जाएगा, और उस समय फिर आप निराश रहोगे, क्योंकि उस समय तो आपका मन, हाथ पैर, दिल दिमाग ये सब कमज़ोर हो जाएगा। बुढ़ापे में कहीं कुछ हो पाता है? कुछ नहीं हो पाता, बस अनमोल चीज़ पाते हुए भी जो रुपया पैसा से नहीं खरीदी जाने वाली चीज़ है, नाम धन है, उसको पाते हुए भी और आप ऐसे ही खाली हाथ चले जाओगे। जैसे कहा गया ना कुछ लेकर आए हो, इतना कुछ लेकर जाओगे, आप समझो रोते हुए कहते ना रोते हुए पैदा हुए, और रोते ही रोते ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। इसलिए गुरु को पहचानने की कोशिश करो, ध्यान भजन सुमरण प्रेमियों रोज करो, ये आपके संभाल की बात है। और जो नए लोग आ पाए हो, आपको रास्ता बताऊंगा भगवान के मिलने का, भगवान की प्राप्ति का इसी मनुष्य शरीर में, लेकिन आप इतने लोग बैठे हो और अभी आपसे कहा जाए आंख बंद करो, ध्यान लगाओ और उसी मालिक की तरफ देखो, भगवान को याद करो, तो याद तो करोगे लेकिन फिर मन कहाँ ले जाएगा ध्यान को, कि अभी यहाँ से जाएंगे तो साग सब्जी खरीदेंगे, जानवरों का दूध निकालेंगे, ये कहेंगे हम रोटी बनाएंगे, इधर उधर मन भटका देता है। क्यों? क्योंकि ये समस्याएं हैं, समस्याएं यानी समझो कि घेरे हुए हैं आदमी को,
अब आप ये समझो कि रोग अगर दूर नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा दूर नहीं होगा, आप ये समझो कि बरकत मिलेगी नहीं, तो भगवान का भजन इस समय नहीं हो सकता है। कह दिया जाए भगवान आपको दिए जा रहे हैं, इनको अपने साथ रखो, आपकी अब पूरी मदद करेंगे, लेकिन रोटी नहीं मिलेगी। सब कहोगे भूखे रख करके भगवान कहाँ याद हो पाएंगे, भगवान कह दो पहले हमारा पेट भर दें। कह दिया जाए कि बीमारी तुम्हारी इतनी बढ़ जाएगी कि चारपाई पर पड़े रहोगे, लेकिन भगवान तुम्हारी सेवा करेंगे, पंखा झलेंगे, हाथ पैर दबाएंगे। कहोगे नहीं, हम ठीक हो जाएं, तब हमको भगवान भी अच्छे लगेंगे। बुखार हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, तो न तो धन अच्छा लगता है, न पुत्र परिवार अच्छे लगते हैं, कुछ नहीं अच्छा लगता है, तकलीफ होती है। तब ऐसे ही कहोगे जब तबीयत ठीक रहेगी तभी सब ठीक होगा, तभी अच्छे लगेंगे सब। कह दिया जाए निंदा अपमान कर दिया जा रहा है, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, तो कहोगे नहीं इज्जत के साथ रहना चाहते हैं, भगवान का साथ तो हम नहीं छोड़ना चाहते हैं, भगवान को तो हम चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ रहें तो कह दो हमको इज्जत के साथ रखें, तो ये भी जरूरी है। तो देखो प्रेमियों बच्चों और बच्चियों, इस समय तो घर घर बीमारी, आप इतने लोग बैठे हो लेकिन ये नहीं कह सकते हो कि हमारे यहाँ एक साल के अंदर कोई बीमार नहीं पड़ा, एक साल के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। और कुछ घर तो ऐसे भी हैं, ये न बताऊँ तो मैं बता दूँगा कि इनके घर में कोई न कोई बीमार ही रहता है, इनके घर में रोज़ झगड़ा होता है। मैं बता सकता हूँ, दो चार दस बीस को बता सकता हूँ। तो अब इससे कैसे निजात मिलेगी, इससे कैसे मुक्ति मिलेगी? मनुष्य शरीर, देखो आपको बताता हूँ, मनुष्य शरीर ये शाकाहारी भोजन के लिए मिला है, इसका जो खून है शाकाहारी, जो चीज़ खाते हो खून उसी का बनता है। तो जब मांस खा लेते हो, मछली खा लेते हो, अंडा खा लेते हो, तो उसका खून बनता है। और जब उसका खून बनता है तो खून जो शाकाहारी है उसका तालमेल नहीं खाता है। आप देखो कि जानवरों के अंदर गुस्सा क्यों आता है, जानवर को माँ बहन की पहचान क्यों नहीं होती है? बछड़ा जब बड़ा हो जाता है, बैल बन जाता है, तो अपनी माँ को पहचानता है, या उसकी जो बहन लगती है उसी माँ से पैदा हुई उसको पहचानता है? नहीं पहचानता है। कुत्ता देखो मांसाहारी होता है, क्रोध कितना होता है कुत्ते को। शाकाहारी बैल दो चार छः आप एक जगह छोड़ दो, चारा डाल दो तो आराम से खा लेते हैं, कुत्ता बंद कर दो कहीं कमरे में, रोटी भी डाल दो तो रात भर भूखेंगे, रात भर ची पों घों पों करते रहेंगे, और सुबह दरवाज़ा खोलोगे तो किसी का कान कटा हुआ, किसी पूंछ कटी हुई, किसी के पैर से खून बहता दिखाई पड़ेगा, नोचेंगे एक दूसरे को, क्रोधी होते हैं। तो आजकल ये जो अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, मारकाट बढ़ रहा है, मुकदमेबाजी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? खान पान गलत होने की वजह से बढ़ रही है, बुद्धि लोगों की खराब हो रही है, अपनी लड़की अपनी चाची अपनी बुआ अपनी माँ को ही नहीं इंसान पहचान पा रहा है। तो उसका कारण क्या है? कारण यही है कि शराब का नशा, ये नशीली गोलियों के नशा का असर, और ये मांस खाने का असर। आप देखो भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, आखिरी वक्त उनका चल रहा था, अब यही था कि प्राण निकलने वाला है, तो बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे थे, उपदेश दे रहे थे, क्योंकि ज्ञान को लोग बांटते थे, जो जानकारी रहती थी उसको बांट देते थे, अपने साथ लेकर नहीं चले जाते थे। अब आजकल तो जो चीज़ बांटना चाहिए उसको तो संभाल लेते हैं, और जो चीज़ नहीं जो बांटना चाहिए उसको
जो नहीं बांटना चाहिए उसको बांटते हैं। तो अब आप ये समझो कि बांटना चाहिए ज्ञान को, तो ज्ञान को बांट रहे थे, उपदेश कर रहे थे। तो द्रौपदी ने सुन लिया कि बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं। तब बोली, इस समय तो आप अच्छी अच्छी बात बता रहे हो, लेकिन जब दुशासन हमको नंगी कर रहा था, चीर खींच रहा था, तो आप भी सभा में विराजमान थे, तो ये अकल और ये बुद्धि उस समय आपकी कहाँ चली गई थी? तब उन्होंने कहा, द्रौपदी तो ठीक कह रही है, उस समय मैं दुर्योधन पापी का अन्न खा रहा था, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। तो आप सोचो कि अन्न के दोष से बुद्धि खराब हो सकती है भीष्म पितामह जैसे योगी की, तो अब आज के आदमी की क्या औकात है? योग नाम की तो बहुत से लोग चीजें ही नहीं जानते हैं, तो योगी की जो शक्ति है वो उनके अंदर आएगी कैसे? इनके अंदर योगी की शक्ति थी, लेकिन तो भी अन्न का असर से बुद्धि खराब हो गई। अब जब जानवरों का मांस और खून शरीर के अंदर आएगा तो बुद्धि कहाँ से सही रहेगी? शरीर कैसे रोग से बच पाएगा? बुद्धि स्वस्थ कैसे रहेगी? पूजा उपासना भगवान कैसे कबूल करेगा? क्योंकि ये मानव मंदिर है, आप मिट्टी और पत्थर का मंदिर बनाते हो, वहाँ ले जाओ मुर्दा मांस डाल दो, तो पूजा कोई करेगा? नहीं करते हैं, कहते यहाँ कबूल नहीं होगी, ये गंदी जगह है। मुर्दे जहाँ जलाए जाते हैं वहाँ कोई यज्ञ कोई कथा भागवत होता है? कोई वहाँ तपस्या करता है? कहते ये जगह अच्छी नहीं है, मुर्दा खानी है, ये शमशान घाट है, यहाँ भगवान खुश नहीं होंगे। मुर्दा किसको कहते हैं? जिसके अंदर से जीवात्मा निकल जाती है। आप देखो मुर्दा जला करके आते हैं, पूछो क्यों नहाते हो, तो कहते हैं भाई मुर्दा जलाने गए थे। अब आप समझो कि जीवात्मा निकल गई तो मुर्दा हो गया है शरीर। यही जीवात्मा मुर्गा में से बकरा में से निकल जाती है तो क्या वो मुर्दा नहीं होगा? अब उस मुर्दा को मांस को आप लाओगे पेट में रख लोगे तो ये मानव मंदिर गंदा होगा कि नहीं? इसीलिए देखो कितना पूजा पाठ हो रहा है, कितना लोग अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन देवता नहीं खुश हो रहे हैं। समय पर न जाड़ा, न समय पर गर्मी, न समय पर बरसात हो रही, नाराज हैं वो। उनको मिलता ही नहीं है जो खिलाते हैं, क्योंकि ये बुला ही नहीं पाते हैं, मंत्र मालूम नहीं है, ज्ञान है नहीं। तो आप ये समझो कि इसको साफ सुथरा रखो। अंतरात्मा आपकी जब तक साफ नहीं होगी तब तक उस मालिक का दर्शन नहीं होगा, इसलिए उसको साफ रखो। यानी इसके अंदर मुर्दा मांस आप मत डालो। और देखो कम खाओ, कम खाओ और गम खाओ। कम खाओ किसको कहते हैं? कम खाना थोड़ा एक रोटी का भूख रख करके होता है। अब अगर एक रोटी का भूख रख करके खाओगे तो आराम से हजम हो जाएगा, और दो रोटी और दबा के खा लोगे तो लोड ज़्यादा पड़ेगा मशीन पर, तो जब नसें फूलेंगी तो दर्द करेगा पेट। दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास जाओगे तो वो तो पैसा जमा कराएगा, चाहे बैल बेच के लाओ, चाहे भैंस बेच के लाओ, चाहे जेवर बेच करके दो, कहेगा बस जान जाने ही वाली है, ऑपरेशन करा लो, नहीं तो इनका बचना मुश्किल हो जाएगा। अब पैसा ले लेगा, पेट फाड़ देगा, कहेगा ऑपरेशन कर दिया। अब कोई गारंटी है कि एक बार ऑपरेशन करा लिए तो दोबारा फिर नहीं कराना पड़ेगा? दोबारा फिर ऑपरेशन, तिबारा फिर ऑपरेशन, चौथी बार फिर ऑपरेशन। एक आदमी तो ऑपरेशन कराते कराते थक गया, डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब आपकी बार आप करो फिर ऑपरेशन, तो आपकी बार आप सिलाई मत करना, चैन लगा देना, चैन या बटन लगा देना। जब ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा फिर आऊँगा, तो चैन खोल करके या बटन खोल करके ऑपरेशन कर देना। कोई गारंटी नहीं है कि एक बार करा लोगे तो छुट्टी पा जाओगे, क्योंकि 72,000 नसें शरीर के अंदर हैं,
इतनी पतली पतली कि आप देख नहीं सकते हो, तो वो जब कट जाती हैं तो जुड़ती नहीं है। इसलिए ऑपरेशन से बचना चाहिए। कम खाओगे ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, गम खा लोगे तो बात बर्दाश्त कर लोगे, तो मुकदमेबाजी नहीं होगी, आप समझो कोर्ट कचहरी में नहीं जाना पड़ेगा, वकील को पैसा नहीं देना पड़ेगा, थाने पर नहीं जाना पड़ेगा। दो बार बर्दाश्त कर लोगे तो आप समझो कि आप सबके प्यारे हो जाओगे। कोई कितना भी अकड़ के चलता हो, उसका पैर छू लो तो झुक करके उठाता है, फिर पकड़े रहो न छोड़ो तो झुक के उसको भी झुकना पड़ता है। तो लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दो, चीटी चावल ले चली हाथी मस्तक। आप देखो बच्चों बैठी हो, आप कितना भी छिपाओ, आप जो माताएं हो ना सास लो, कितना भी छिपाओ, लेकिन हमको मालूम है कि इनमें कुछ कुछ होता रहता है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है कुछ न कुछ। अब ये ज़रूर है कि गरीब घर की ये जो सास और बहू लड़ती हैं, भद्दी भद्दी गाली देती हैं, पड़ोसियों को पता चल जाता है। और बड़े आदमियों के घर की जो सास और बहू होती हैं, अंग्रेजी में गाली देती हैं, सब उनका नहीं पता चलता है, लेकिन झगड़ा कुछ कुछ सब जगह होता है। पति पत्नी में भी हो जाता है, भाई भाई में भी हो जाता है। ऐसे समय पर क्या करना चाहिए? चुप रहना चाहिए। एक पर गुस्सा आवे तो दूसरा चुप हो जाए तो झगड़ा झंझट टल जाएगा। कुछ ऐसे भी होते हैं कि स्वभाव बस बोलते ही रहते हैं, औरतें बोलती ही रहती हैं, बेतुकी भद्दी बातें करती हैं, जो अंदर घाव जैसा लगता है, तो उससे कैसे बचना चाहिए ये भी बता दें आपको। भजन पर बैठ जाना चाहिए, जो पुराने नामदानी हो, भजन को जानते हो, जो आज पहली बार आए हो, आपको अभी बताऊंगा कि कान में उंगली लगाओ, ऊपर से कपड़ा डाल लो, आंख बंद कर लो, कोई ना आपको देखे ना आप किसी को देखो, कुछ भी कहे ना सुनो, कुछ भी आंख से इशारा करे न देखो, तो आप उसके बातों से, उसके हाथ पैर के आँख से इशारे से छिड़ोगे नहीं, आपको बुरा नहीं लगेगा, और वो गुस्से में थोड़ी देर के बाद शांत हो जाएगा। क्योंकि जैसा मैंने बताया, खून जब खौलता है, गर्मी जब बदन में आती है, खून खौलता है तब क्रोध आता है, जलता है जब खून, तो जलने का मतलब एक दिन बुझना होता है। देखो जो आग जलती है बुझती कहीं भी है तो बुझेगी, जरूरी विधान है, तो थोड़ी देर के बाद गुस्सा शांत हो जाता है। इसलिए ये फार्मूला आप लोग अपना लो। भाई नाराज हो जाए तो दूसरा भाई बैठ जाए कान में, बेटा नाराज हो जाए पिता बैठ जाए, पिता नाराज हो जाए बेटा बैठ जाए, सास नाराज हो जाए बहू, कोई भी नाराज घर में हो तो कान में उंगली लगाओ, आँख बंद करो, भजन पर बैठ जाओ, बस झगड़ा झंझट सब खत्म। फिर नहीं हो सकता जल्दी, वो भी बोलने वाला भी सोचेगा क्या बोलना रोज रोज जब कुछ जवाब नहीं मिल रहा है। वो तो जब जवाब दे देते हो, जब ये सोचते हो कि ये डाल डाल हम पाट पाट अपने को कम नहीं समझते हो, तब लड़ाई झगड़ा होता। तो ये है सूत्र किस चीज का, लोक बनाने का। बरकत क्यों नहीं होती है? लक्ष्मी की कमाई आप ठीक ढंग से कर नहीं पाते हो, इज्जत के साथ उनको ला नहीं पाते हो, मेहनत ईमानदारी नहीं करते हो, इसलिए जैसे लक्ष्मी आती हैं जिस तरह से लाते हो उसी तरह से चली जाती हैं। आप ये समझो कि जुआ में जीत करके कितना रुपये आदमी ले आता है लेकिन फिर हार जाता है, शेयर खरीदते हैं हार गए, ये जो जुआ जैसा काम करते हैं, व्यापार करते हैं ऑनलाइन, बस बटन दबाए नहीं कि लाख दो लाख की यानी बिक्री में फायदा हो गया, और बस फट से यानी समझ लो फिर बटन दबाए, बस 4 लाख रुपया चला गया। तो ये सब क्या है? ये जुआ है। मेहनत जो करता है वो जुआ का काम नहीं होता है, उसका पैसा रुकता है, और जहाँ कहीं भी लगता है वहीं बरकत होती है। तो मेहनत ईमानदारी की कमाई करो। तो ये तो बताया लोक बनाने का तरीका, अब बताऊंगा परलोक बनाने का, भगवान के प्राप्ति का सीधा सरल रास्ता आपको बताऊंगा जो नए लोग आए हो। पुराने लोग दोहरा लो कोई हर्ज नहीं। गुरु महाराज जब नामदान देते थे तो बगल में हमको ऐसे बैठाए रहते थे, आप पुराने नामदानी देखे हो,
वो कहते थे कि अब इनको समझा दो, बता दो, याद करा दो और सुमिरन ध्यान भजन करा दो। 400 साल मौका दिया गुरु महाराज ने अपने पास रहने का। आया था तो कुछ नहीं जानता था संत मत क्या होता है, लेकिन गुरु महाराज ने अपने बच्चे की तरह से सब सिखाया, बताया, समझाया और इस लायक बनाया कि आपके सामने कुछ बोलने के लिए आज मैं आ सका। तो आप ये समझो कि गुरु महाराज की बहुत दया है, हमारे ऊपर भी है और पुराने लोगों के ऊपर भी है, लेकिन आप दया के घाट पर बैठ नहीं पा रहे हो। दया के घाट पर जब बैठोगे तब आपको अनुभव होगा, सूरज निकला है, छाता लगा के चलो, कहो सूरज रोशनी नहीं दे रहा है तो कमी किसकी मानी जाएगी, वो तो सबको रोशनी दे रहा है, सबको गर्मी दे रहा है। ऐसे ही गुरु जो होते हैं दया के सागर होते हैं, जितने प्रेमियों को अपनाते हैं सब पर दया करते हैं, लेकिन उनकी दया आप ले नहीं पा रहे हो। लेकर देखो, आप तो हमसे भी काबिल बन सकते हो, हमसे भी ज़्यादा शक्ति आप जो है वो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन जो सेवा काम, जो भजन का काम गुरु महाराज ने हमको सिखाया बताया वो आप करने लग जाओ। तो हमने बातों को पकड़ा गुरु के, आप बातों को छोड़ दिए, आप गुरु को अपना हाथ नहीं पकड़ा पाए, आप गुरु को गुरु की उंगली पकड़े। तो छोटा बच्चा उंगली पकड़ता है बाप की और घूमने जाता है, जब खिलौना देखता है, अच्छी अच्छी चीज़ों को बाजार में देखता है तो उंगली छोड़ देता है, लेकिन बाप जब हाथ पकड़ लेता है तब तो नहीं छोड़ता है, तब तो वो मिठाई भी खिला देता है, खिलौना भी खरीद देता है और हाथ पकड़ करके मंजिल तक पहुंचा भी देता ले आता है। तो बस यही बात है कि अंतर में गुरु को आप अपना हाथ पकड़ा लो, फिर आप निश्चिंत हो जाओगे। तो प्रेमियों, भजन ध्यान सुमिरन जो गुरु महाराज ने आपको बताया उसको करो, मन तो भजो गुरु का नाम, गुरु ने जो नाम आपको दिया उसको आप भजो, और ये विश्वास करो कि खोजरी पिया निज घट में, अपने ही घट में खोजो। गुरु महाराज प्रार्थना किया करते थे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि खोजरी पिया मठ में, मंदिर में, कभी नहीं कहा, उन्होंने कहा खोजरी पिया निज घट में, तो उसको खोजो। और खोजोगे तो जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, यानी समझो खोजोगे तो वो मिलेगा, उसको मिलेगा, ये विधान है, नियम है, तो नियम कैसे गलत हो सकता है। यहाँ का नियम इस धरती का गलत भी हो सकता है, लेकिन उसका नियम कोई भी गलत नहीं हो सकता है जो बना हुआ है। अब आप जो नामदानी हो, नामदान लेने के लिए आए हो, उनको नामदान दिया जाएगा। नामदान सबको देता हूँ, आदेश का पूरा पालन करता हूँ, चाहे थोड़े लोग रहें चाहे ज़्यादा लोग रहें। हमारे कार्यक्रम में तो लाखों लाख की भीड़ होती है, जगह जगह बहुत आदमी आते हैं, और जहाँ उतना प्रचार नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है, वहाँ थोड़े ही लोग आते हैं। मैं तो 15-16 देशों में गया तो वहाँ बहुत थोड़े लोग थे, कमरे में ही 15-20 लोग ही बैठे रहे, उनको भी नामदान दे दिया। उसमें मैं बेईमानी नहीं करता हूँ नामदान देने में, क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि इस समय पर किसी के जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि घर से निकला है और अभी 2 घंटे के बाद घर में वापस आ जाएगा, इसलिए दे देता हूँ कि आज अगर नहीं भी समझ में आया और कल समझ में आ जाएगा, कोई समझा देगा या समझने की कोशिश करेगा तो करने तो लगेगा, और नहीं तो खोजेगा, तब तक नामदान देने वाले निकल गए। और यह भी निश्चित होता है कि नामदान देने का अधिकार उस वक्त तक जब तक यानी उनके लिए आदेश होता है ये कही होते हैं, तो कैसे नामदान मिल पाएगा। आप ये समझो कि इसलिए नामदान दे देता हूँ, सब जगह देता हूँ, ऐसी ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ कोई नहीं जाता है, वहाँ कोई जाते ही नहीं, कोई बताए धार्मिक कार्यक्रम यहाँ कोई होते नहीं, कोई आते ही नहीं है, ऐसा भी हर रास्ता पहाड़ों पर, अभी इधर महाराष्ट्र में आदिवासी क्षेत्रों में, वहाँ भी मैं गया, वहाँ भी नामदान दे कर आया, आपको भी नामदान दूंगा। हालांकि गुरु महाराज तो यहाँ यानी समझो कि आपके इस क्षेत्र में और इधर खूब नामदान दिए, पहले आते थे,
लेकिन कदर किसने किया, समझा किसने, ये अब आप इतना सुनाने के बाद समझ में आ गया होगा आपके। तो आपको नामदान दूंगा जो नए लोग आए, अनमोल चीज बताऊंगा, जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज नहीं है वो मैं आपको दूंगा। जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा, नाम लेत बहु सिंधु सुखाही, सुजन विचार करो मन माही, नाम लेते ही बहु सागर सूख जाए। वो नाम बताऊंगा, वो कौन सा नाम है, ध्वन्यात्मक नाम है जो धनियों के मुंह से निकलता रहता है। ऊपरी लोगों के आप राजा कह लो धनी कह लो, उनके मुंह से हमेशा निकलता रहता है, वो नाम आपको बताऊंगा। वो इस मृत्युलोक में नहीं आते हैं, वो अन्य समझो माँ के पेट में नहीं बनते पलते हैं, इसलिए वो निर्मायक कहे गए, क्योंकि ये माया और काल का देश है। रुपया पैसा को और औरतों को माया कहा गया, देखो दुनिया इसी के पीछे दौड़ रही, इसी के पीछे परेशान है, तो माया के श्लोक में नहीं आते हैं। और जो माँ के पेट में बनते हैं, पलते हैं, बाहर निकलते हैं और वक्त के हिसाब से महापुरुष कहलाते हैं, वक्त के हिसाब से, समय के हिसाब से कोई नाम को वो जगाते हैं जिसमें शक्ति भरते हैं, जिससे लोगों को फायदा होता है, वो वर्णात्मक नाम कहा जाता है। आप देखो त्रेता में राम नाम राम ने जगाया, विभीषण के घर पर राम राम लिखा हुआ था, और लंका दहन में समझो कि बच गया विभीषण का घर। अब आप समझो कि वही नाम अगर रहने को होता कि उसी में शक्ति रहेगी, तो द्वापर में कृष्ण नाम में शक्ति क्यों आती, उसको वो क्यों जगाते। इसलिए उन्होंने उस नाम को अन्य समाप्त करके और फिर कृष्ण नाम में शक्ति भरा, द्रौपदी को भरा, ग्रह को तमाम उदाहरण ऐसे मिल रहे, इतनी शक्ति थी। इसके बाद भी नाम आए कि जितने भी ये संत आए, सब लोगों ने कोई ना कोई नाम में शक्ति भरा। हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम को जगाए और इसमें उन्होंने शक्ति भरा। आप कुछ लोग इसमें पुराने ऐसे बैठे हो कि जिन्होंने जय गुरुदेव नाम की ताकत को समझा, जाना, मुसीबत में जय गुरुदेव नाम ने रक्षा किया, बीमारियों में, तकलीफों में आपको जय गुरुदेव नाम बोलने से फायदा लाभ हुआ, हर तरह से आपको अनुभव है। अब नए लोगों को भी नहीं है, तो नए लोगों को भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुसीबत के समय आप जब बोलोगे, सच्चे मन से याद करोगे, सच्चे मन से बोलोगे, ईश्वर को याद करोगे जय गुरुदेव नाम बोल करके, तो आपकी मदद होगी। और आप ही नहीं, प्रचार कर दो प्रेमियों कि कोई भी शाकाहारी नशा मुक्त व्यक्ति मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोलेगा तो उसकी भी मदद होगी। तो ये जागृत नाम है। नाम को कैसे जगाया जाता है ये भी बता दें। आप कहाँ से जुड़े हुए हो ये आपको नहीं मालूम, तार के द्वारा। वही तार जब कट जाता है तो ऐसे धड़ाम से गिर जाते हैं। उस मालिक से जुड़े हुए हो, सकल जीव मम उपजाया, सब पर मोर बराबर, सब उसी के उपजाए हुए हैं, वहाँ से जुड़े हुए हो। अब आप समझो कि जब ये नाम महापुरुष जगाते हैं तो उसी से जोड़ देते हैं, उस तार से, उस मालिक से। तो जब उस नाम से उसको पुकारते हैं तब मदद हो जाती है। तो गुरु महाराज तो चले गए, लेकिन जय गुरुदेव नाम में शक्ति अब भी है और कुछ दिन तक रहेगी, इसलिए जय गुरुदेव नाम पर आप विश्वास करो। मैंने बताया बच्चियों, बच्चियों को बताया मैंने कि तुम लोग घर में एक घंटा सुबह शाम जय गुरुदेव नाम की धुनी बोलना शुरू करो। शुरू किया, अब कह रहे हैं बहुत तकलीफों में आराम है, हर तरह से फायदा दिखाई पड़ रहा है। मैंने बताया कि जब भोजन बना लो तो जय गुरुदेव नाम की धुनी बोल करके और फिर खाओ, फिर खिलाओ, प्रसाद बना लो उसको। तो प्रसाद जब से खाने लगे सब से कहते बड़ा मन प्रसन्न रहता है, और वो इच्छाएं जो रहती थी चटपट खाने की इधर उधर जो दौड़ती थी वो धीरे धीरे सब कम होती जा रही।
जो पेट खराब करने वाली चीज़ों की तरफ से मन हटता जा रहा है, तो ये जय गुरुदेव नाम बहुत फायदे का है। आप प्रचार करो प्रेमियों उस बात का कि जय गुरुदेव नाम बोल करके ही लोग बिस्तर छोड़ें, सुबह रात को सोने से पहले धुनी बोल करके जय गुरुदेव नाम की और फिर बिस्तर छोड़ें, देखो कितना अच्छा महसूस होता है। तो ये जय गुरुदेव नाम या प्रभु परमात्मा का नाम है। अब ध्वनि बोलेंगे कैसे, यह भी नए लोगों को आपको बता दूं। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव सब लोग बोलो, नए पुराने जितने भी हो। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव इसी तरह से नाम धुनी सब लोगों को बोलना है। नए पुराने कोई भी सत्संगी हो सब बोलो, बुलवाओ। अब दूसरा है ध्वन्यात्मक नाम, वो है पांच नाम। अब जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी आवाज़ होती है। जैसे आपका नाम है, आपका रूप चेहरा है और आपका स्थान है। आप कहीं रहते हो और आपका यह चेहरा है, रूप है, और आपके मुंह से आवाज़ निकलती है, वो आपकी आवाज़ है। इसी तरह से पांच धनी हैं, उनका नाम है, उनका रूप है, उनका स्थान है, उनकी आवाज़ है। तो वो मैं अभी आपको बतलाता हूँ, रटाता हूँ, याद कराता हूँ। जितना आप याद कर सको याद कर लो, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ यहीं अभी आपको सत्संग के बाद मिल जाएगा, आप ले लेना, याद कर लेना। और याद करके कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना, बताना मत किसी को और टेप करके भी मत किसी को सुनाना। अगर आप नए आदमी को बता दोगे जिसने नामदान नहीं लिया है तो उसका तो कोई फ़ायदा होना नहीं है और आपका हो जाएगा नुकसान, नाराज़ हो जाएंगे ये। इसलिए नुकसान का कोई भी काम मत करना, बताना मत किसी को। दूसरी चीज़ और बता दूँ आपको कि जब आप आँख बंद करोगे और ध्यान लगाओगे, मन को रोकोगे, ऊपरी लोकों में जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ में घूमोगे, देवलोकों में घूमोगे, और वहाँ का दृश्य, वहाँ का नज़ारा जब देखोगे तो देख करके खुश हो जाओगे, और खुश हो करके आप दूसरे को बताने लगोगे, तो जैसे बताओगे वैसे ही वो बंद कर देगा। और जब वो असली चीज़ बंद होगी आपकी, तब उसके लिए रोओगे, तड़पोगे, चिल्लाओगे। आप देखो रेडियो में गाना आता है और बाजा बजता है तो बुढ़े लोग भी ऐसे मस्त हो जाते हैं सुनकर, ऐसे सिर हिलाते हैं, हाथ पटकते हैं, छोटे छोटे बच्चे थिरकने नाचने लगते हैं बाजा सुन करके। अब आदमी के बजाए हुए बाजा में जब इतना आनंद, इतनी मस्ती आती है, तो जिसको मालिक बजा रहा है उसको सुनोगे तो मस्ती आएगी, आनंद आएगा कि नहीं आएगा, तो उसको जल्दी हजम नहीं कर पाओगे। आदमी का स्वभाव होता है, कोई सस्ता सामान खरीद लाता है बाजार से तो पड़ोसियों को, गांव वालों को, सबको बताता है, रिश्तेदारों तक को फोन खोल जाता है
कि चले जाओ सेल लगी है, 800 रुपए की साड़ी 500 में मिल रही है, ले आओ। ऐसे ही अच्छी चीजें जब मिलती हैं जल्दी हजम नहीं होती, खुश हो जाता है आदमी का ना। खैर खून खांसी खुशी और बैर प्रीत मद पान और रहमन दाबे ना दबे जाने सकल जान। तो अगर बता दिया तो फिर वो जल्दी मिलेगी नहीं चीज, उसी के लिए फिर परेशान हो जाओगे, तड़पोगे, रोओगे, जैसे मीरा रोती थी, रात दिना मोह नींद ना होए, भावे अन्न न पानी, अन्न पानी कुछ नहीं भाता था, परेशान रहती थी, ऐसे परेशान हो जाओगे अगर बता दोगे तो। बताना मत, अब कोई चीज दिक्कत आती है परेशानी आती है तो दौरा हम लोग करते रहते हैं। आश्रम हमारा उज्जैन में है, उज्जैन में आप आ सकते हो, वहाँ पूछ सकते हो कोई दिक्कत परेशानी अगर आपको आती है, या जिसको अच्छा साधक समझते हो उससे पूछ सकते हो। लेकिन उसको बताना मत कि हमको ये दिखाई पड़ रहा है, अब आगे कैसे हम जाएं, नहीं कोई बना साधक बन जाए उसको बता दो तो भी आपका बंद हो जाएगा। इसलिए यानी समझ लो बताना नहीं है किसी को, अभ्यास करते रहो बढ़ाते रहो तो बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे अंदर के कर्म कटेंगे, पर्दा जैसे साफ होगा, वैसे ही आपको दिखाई पड़ेगा, वैसे ही सुनाई पड़ने लगेगा। तो आप ये समझो कि ये जो दिखाई सुनाई पड़े किसी को भी नहीं बताना है। अब आप तीन चीज समझो, सुमिरन ध्यान और भजन। सुमिरन कहते हैं माला जपने को, सुमिरन माला जपने को कहते हैं, और ध्यान किसको कहते हैं आँख से देखने को, और भजन किसको कहते हैं कान से सुनने को। सुमिरन ध्यान और भजन तीन चीज ये, और पांच नाम पांच रूप पांच स्थान पांच की आवाज, ये मैं आपको बताया। अब तीन चीज और समझो, तीन आँख तीन कान और तीन नाक, दो आँखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज दिखाई पड़ती है, और ये आँख अंदर इस जीवात्मा को चलाने वाली जो शक्ति है उसमें है, उससे ऊपरी लोगों की चीज दिखाई पड़ती है। दो कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज सुनाई पड़ती है, और एक कान अंदर जीवात्मा में, उससे आकाशवाणी वेदवाणी जिसको कहते हो वो सुनाई पड़ता है। और तीन नाक, एक नाक देखो ये सोरा के दाहिनी तरफ और एक है बाईं तरफ, ये ऊपर जिसको नाक कहते हो, ये तो समझ लो दो नाले के ऊपर जैसे पत्थर रख करके ढक दिया जाए, ऐसे ढक दिया है। अब यहाँ से ऐसे निकाल दिया जाए ऊपर तो ये नली नली दिखाई पड़ेगी, तो ये चेहरा अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। और रात में कोई आ जाए तो कहोगे भूत आ गया, राक्षस आ गया। आप समझो कि नाक दबी हुई रहती है किसी लड़की की, और फोटो दिखाओ लड़के को शादी के लिए कि ये रिश्ता आया है, कहता नक बैठी लड़की से शादी नहीं करेंगे, नाक दबी लड़के नहीं करें। लड़के का फोटो दिखा दो लड़कियों को तो ये भी नो 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 बोलने लगती हैं। तो नाक ये जिसको कहते हो ये शोभा के लिए सुंदरता के लिए बना दिया। और है कौन नाक, ये दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ जो सुराख है ये नाक है। एक सुराख इसी तरह से जीवात्मा के नाक में है, उससे ऊपर की खुशबू मिलती है, और वो खुशबू वो सुगंध जब मिल जाती है साधक मस्त हो जाता है, और वो खुशबू कभी ख़त्म होती ही नहीं, वो जिसको परमानेंट कहते हो अस्थाई कहते हो अस्थाई वो खुशबू होती है। तो तीन आँख तीन कान और तीन नाक, सुमिरन ध्यान भजन तीन चीजें, पांच नाम पांच रूप पांच स्थान पांच की आवाज, ये मैंने आपको बतलाया। अब बैठो पालथी मारो, इसे ले लो आदर के साथ सम्मान के साथ, सब लोग ले लो, सबको मिल रहा है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे 8-9 साल का बच्चा हो, सब कर सकते हो। आप किसी भी जात मजहब के मानने वाले हो सब कर सकते हो। हमारे यहाँ तो कोई जात पांच है नहीं,
हमारे यहाँ तो हरि का भजे सोहर का होई, जात पात पूछे ने कोई, यानी जो भगवान का भजन करता है सबका होता है। तुम तो भजन करते हैं और कराते हैं, भगवान को जानते हैं, भगवान को मानते हैं, तो हम शरीर को नहीं देखते, हम कपड़ा लत्ता नहीं देखते, हम नाम के आगे पीछे जो लगा हुआ उसको नहीं देखते, हम जीवात्माओं को देखते हैं। जीवात्मा सबके अंदर एक जैसी, इसीलिए उसने देखो आँख कान और संदास पेशाब का रास्ता सबके बनाया। आप देखो कि खून सबका लाल, मांस सबका सफेद, आप ये समझो कि चमड़ी सबके, वो तो धूप जब ज़्यादा लगती है तब काला हो जाता है, और जब धूप कम लगती है तो ये चमड़ी यानी साफ रहती है। पहाड़ों पर देखो जहाँ ठंडी ज़्यादा होती है वहाँ पर गोरे लोग होते हैं, जहाँ धूप ज़्यादा लगती है वहाँ के लोग काले हो जाते हैं। तो ये तो यहाँ का असर है, लेकिन है सबके एक जैसा। लेकिन प्रेमियों, हम यह भी नहीं चाहते कि आप यह कहो कि हमारा धर्म छुड़वा रहे हैं। हम यह भी नहीं चाहते हैं कि आप जहाँ खाते हो वहाँ न खाओ। अपने समाज में, अपने बिरादरी में जहाँ खाते हो शाकाहारी भोजन वहीं खाओ, और लड़का लड़की का शादी ब्याह जहाँ करते हो वहीं करो, पूरी आज़ादी है। लेकिन हमारे यहाँ तो सब एक जैसे हैं, समान व्यवहार है, और हम किसी से भेदभाव नहीं रखते। देखो हमारे कोई अपना बच्चा नहीं है, आप ये समझो अपना परिवार भी छोड़े हुए, जिनको भाई कहते हैं, माता पिता जो चले गए, भाई कहते हैं, भतीजे कहते हैं, उनसे भी संबंध अन्य आ गए वो लोग तो ठीक है, और नहीं तो कोई उनसे भी उस तरह के खून के रिश्ते का संबंध किसी से भी नहीं है। उसी तरह से प्रेम जैसे आप लोगों से है, ऐसे उन लोगों से भी है। एक इंसान होने के नाते, मानव होने के नाते, आप ये समझो कि यानी कोई भेदभाव स्ट्रेंग नहीं रखता हूँ, भाईवाद, भतीजावाद, जातवाद, भाषावाद, एरियावाद, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ तो यानी समवाद है, हमारे यहाँ तो मानववाद है, हमारे यहाँ तो मानव धर्म है। इसलिए सबको यानी नामदान देता हूँ, तो नामदान आप सबको दूंगा। पहले तो औरतों को कोई अधिकार ही नहीं था नामदान लेने का और ये साधना करने का, लेकिन पार होती थी औरतें। कैसे पार होती थी? पति की सेवा करके। और अब पति अपने ही पार होने का नहीं कर पा रहा है, तो औरतों को क्या पार करेगा? इसलिए सबको अधिकार दे दिया गया कि नामदान लेकर के भजन करो, सबको नामदान दो, आपको यकीन हो जाए, विश्वास हो जाए। तो आप जो बाजा जहाँ बजाते हो, वो सारे बाजे दुनिया के जितने भी हैं बजाने पर ही बजते हैं, चाहे हाथ से बजाओ, चाहे लकड़ी से बजाओ, चाहे मुंह से फूंक के बजाओ, चाहे ये इलेक्ट्रिक करंट से बजाओ, बजाने पर बजते हैं। और ऊपर के जो बाजा हैं ये बगैर बजाए निश्चिन बाजे, बिना बजाए ये बजते रहते हैं। और ऊपरी लोकों में गई, जब आप समझो जब त्रिकुटी पर पहुंची, तो देखा कि ये पूरा लोक ही लाल है, और मैं भी लाल ही हो गई हूँ यहाँ पहुंच करके। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। आए हैं पढ़े नहीं हैं, इनको जो आप लोग हिंदी और गुजराती दोनों जानते हो, आप इनको समझा देना। और देखो बच्चियों, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग हिंदी समझती हो, काफ़ी कुछ समझती हो, तो जो समझती हो बच्चियों, इनको माताओं को नाम ये याद करा देना, रटा देना, और लिख कर दे दो, पढ़ लें तो ठीक है, न पढ़ पाऊँ तो याद करा दो, रटा दो। यह एक परमार्थी काम होगा। परमार्थी किसको कहते हैं? जो दूसरे के काम दूसरों के लिए किया जाता है, जिसमें शरीर, मन, चित्त, बुद्धि, धन, दौलत जो भी है वो सब काम आता है दूसरों के लिए, वो परमार्थ होता है। तो ये एक परमार्थी काम है।
कहते हो भाई रोटी खिलाना, पानी पिलाना, ठंडी से बचाने के लिए कुछ गर्म कपड़ा दे देना, रोग से मुक्ति के लिए आराम के लिए दवा करा देना, ये धर्म माना जाता है। तो ये शरीर का खाना क्या है? दाल चावल रोटी सब्जी फल फूल, ये शरीर का खाना है। और जीवात्मा का शब्द, यही जो शब्द पकड़ने का आपको बताया जाता है, सूरत को शब्द के साथ जोड़ने के लिए बताया जाता है, यह उसका खाना है। अब जब जीवात्मा को भोजन मिलेगा तो वो भी खुश हो जाएगी। जैसे भूखे को रोटी खिलाते हो आशीर्वाद देता है, ऐसे ही जीवात्मा को भोजन मिलेगा तो भी आशीर्वाद मिलेगा। देखो शरीर से सेवा करते हैं तो शरीर प्रसन्न होता है, धन से सेवा करते हैं धन में बरकत होती है। तो आप ये समझो ऐसे ही जीवात्मा के लिए जब आप करोगे बताओगे रास्ता तो उसमें भी आपको बरकत मिलेगी। इसलिए बता देना प्रेमियों, समझा देना लोगों को। तो आप समझो कि यानी ये नाम और रूप और स्थान जब याद हो जाए तब आप करना सुमिरन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को सुमिरन कहते हैं। तो 108 दाने का माला आप ले लेना किसी भी चीज़। जब आप आँख बंद करना, दोनों आँखों से अंदर में देखना, तो मन से कहना यहीं रहो, जहाँ पर मैं देख रहा हूँ वहीं पर रहो। कहीं घूमने गए थे, ओ कहीं शादी ब्याह में गए थे तो कहीं ले जाएगा, चलो साग सब्जी खरीदना है, अब दूर निकालना है, अब चलो उठो उठो, बड़ी गर्मी लग रही है, बड़ी ठंडी लग रही है, अरे कुछ नहीं दिखाई सुनाई पड़ रहा, उठ जाओ। वह मन उठा देता है, मन ही तो ये सब करता है। मन ही कहते हैं पान फूल खिलाता है, बढ़िया मीठा मिष्ठान खिला देता है, और मन ही गाली दिला करके जूता मार खिला देता है। तो मन ही शरीर को चलाता है, मन ही राजा है शरीर का। लेकिन मन को आपको जीतना है, कहा मन के कहे करो मत कोई, जो गुरु कहे करो तुम सोई। तो मन अगर कहे कि उठ जाओ तो कहोगे एक घंटा हमको बैठना है, हम एक घंटा उठ नहीं सकते हैं, तो मन धीरे धीरे भगते भगते रुक जाएगा। और जब रुक जाएगा, आंख की पुतलियों का हिलना बंद हो जाएगा, तब कोई चीज़ सामने आएगी जाएगी आएगी जाएगी, उसी को देखते रहना, बस वो चीज़ हट जाएगी। और जैसे हटेगी तैसे ऊपरी लोकों में चले जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता सब सामने। कोई कितना भी कहे कि निराकार हैं निराकार हैं निराकार हैं तो आपको विश्वास नहीं होगा। यहाँ तक आपको बता रहा हूँ कि जिन देवी देवता भगवान को आप मानते हो उनको भी अगर आप देखना चाहोगे तो वैसे प्रत्यक्ष आपको दिखाई पड़ेंगे। ऐसे आप शरीर में अगर उनको देखे उसी शरीर में दिखाई पड़ेंगे आपको, दिखेंगे ये सब दिखेंगे। ये जो शक्तियाँ आई जिनको आपने माना पूजा, जिनकी मूर्ति बनी हुई स्थान बना हुआ है, उनको देखना चाहोगे वो भी दिखाई पड़ेंगे आपको। तो आँख बंद करके और फिर इस तरह से ध्यान आप रोज लगाना। आप समझो तीसरा है भजन। भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को भजन कहते हैं। वो ईश्वरीय आवाज़ गैबी आवाज़ वो साउंड वो अनहद्वेद वाणी अपने कानों से सुने तो आपको सुनाई पड़ेगा। जब आप संकल्प बनाओगे कि हम उसका दर्शन करना है, देवी देवताओं का अंतर में दर्शन करना है, तो जब संकल्प बनाओगे तो ये रास्ता जो बताए हूँ इससे आपको दर्शन मिलेगा। ये कच्चा रास्ता नहीं है, धोखेबाजी वाली बात इसमें नहीं है। आप ये समझो कि आपसे तो मैं कुछ मांगता भी नहीं हूँ, लेकिन ये भी कहता हूँ कि अगर आपको आज कुछ देना भी है तो आप अपनी बुराइयों को छोड़ दो, बुराई ही छोड़ जाओ, यही दक्षिणा होगी। अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, जो आपने शराब पिया, अब न खाना न पीना, इसको आप छोड़ दो। और इसको छोड़ करके ये जो बता रहा हूँ करो, देखो आपको फायदा होता है कि नहीं होता है। तो ये जो बुराइयाँ हैं, चोरी चकारी, ये जो यानी एक दूसरे की औरत के साथ बुरा कर्म करना, एक दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म करना, ये सब छोड़ दो। ये सब है बुराई, यही दक्षिणा होगी आपकी। और नहीं तो मैं तो बता के जा रहा हूँ, कब्जा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, और न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, मैं तो बता के जा रहा हूँ, मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, आपको बता के जा रहा हूँ। अगर आपको इच्छा जगती है करना है तो कर लो, ले लो,
सकल पदार्थ है जग नहीं, कर्म ही नर पावत नहीं, कर्म नहीं करोगे तो सब कुछ होते हुए भी आपको नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, आप खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। तो आप समझो कि इस तरह से वजन अगर करने में आपको दिक्कत आवे, पालथी मार करके बैठ जाना। इस कौन मुझे सब दरवाजा हैं, तो कहा बाहर का पट दे कर अंदर का पट खोल, पट माने होता है दरवाजा। तो ये बाहर का दरवाज़ा जब बंद करोगे कान मुझे, तब अंदर का द्वार खुलेगा। तो ये सब अंदर की बातें हैं, अंतर की। अब जब तक आप नहीं देखते हो सुनते हो तब तक आपके समझ नहीं आता है, देखने सुनने लगोगे तो यही निराकार चीज़ साकार हो जाएगी। तो बराबर भजन करना है। तो देखो 5 मिनट आपको बैठाऊंगा ध्यान पर, 5 से 7 मिनट आपको बैठाऊंगा भजन पर, और उसके बाद आपकी छुट्टी कर दूंगा, सिखा दूंगा आपको। तो पुराने लोग आप अभ्यास कर लो और नए लोग आप सीख लो। तो देखो कपड़ा डाल लो जिनके पास है, ऊपर से कपड़ा ऐसे डालो, मुंह के ऊपर कपड़ा डाल लो, मुंह ढक लो, मुंह ढको, जिनके पास कपड़ा है ऊपर से डाल लो। लेकिन आपने देखा कि रुकने पर कितना आनंद आया, अच्छा लगा। ऐसे ही जब रुकेगा बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा। लगातार ध्यान लगाना है, जहाँ कहीं भी खाली बैठो वहीं आंख बंद करो, ध्यान लगाओ। जैसे साग सब्जी आपने पकाना शुरू किया, पक रही है दाल, पक रही है आटा गूंथ के रख दिया, चावल पक रहा है, तो खाली हो वहीं आँख बंद करो, ध्यान लगाओ। दुकान पर बैठे हो, कोई ग्राहक नहीं है, आँख बंद करो, ध्यान लगाओ। नौकरी करते हो, दफ्तर में कोई काम नहीं है, आँख बंद करो, ध्यान लगाओ। यहाँ कहीं भी खाली बैठो वहीं ध्यान लगाओ, आदत डालो ध्यान लगाने की। तो अभी तो मन नहीं कहेगा लगाने को, क्योंकि ये तो खाने पीने सुनने और शरीर के यानी भोगों में फंसा हुआ है, इंद्रियों के भोगों में फंसा हुआ है। लेकिन जब इधर से हटाओगे, ऊपर की तरफ जाएगा तो खूब लगवाएगा। फिर यह मन खुद खुद कहेगा कि खाली न बैठो, आंख बंद करो, निकलो, चलो ऊपर, वहाँ का आनंद लिया जाए। ये निभ्या और जिभ्या का आनंद, इंद्रियों के भोग का यह रस, ये तीखी मिर्ची की तरह लग रहा है, ऊपर चलो अमीय रस पिया जाए, आनंद लिया जाए, खूब लगवाएगा। लेकिन शुरू में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसको उसी तरह से बच्चियों मनाना पड़ेगा कि जैसे चंचल बच्चे होते हैं, भाग जाते हैं घर से, निकल जाते हैं, पकड़ करके लाते हैं और मौका पकड़ के फिर निकल जाते हैं, फिर पकड़ के लाओ, समझाओ, बताओ, फिर निकल जाते हैं। लेकिन बार बार जब उनको समझाते रहो, पकड़ करके लाते रहो, तब वो घर में रुकने लगते हैं, पढ़ने भी लगते हैं, सब काम अच्छा करने लगते हैं। ऐसे ये मन है, ये भगने का आदि हो गया, धीरे धीरे ये रुकने का आदि बन जाएगा। तो मन की ये चाल है, जिधर भी ये जाएगा उधर ही ये जाएगा। खराब काम में लग जाएगा तो शरीर से खराब ही कराएगा, और अच्छे काम में लग जाएगा तो शरीर से अच्छा ही कराएगा। तो मन को रोकने की कोशिश करना, ध्यान में भी, भजन में भी और सुमिरन में भी जो नाम जपना है उसको भी मन लगा करके रूप पर सुमिरन करना है। तो सुमिरन और ध्यान ये दो आपका हो गया। अब भजन समझा दिया है आपको, भजन भी करा देता हूँ 5-7 मिनट, और उसके बाद फिर आपकी छुट्टी कर दूँगा। और फिर आप पुराने लोगों से पूछ करके करते रहना। तो भजन पर बैठ जाओ, आँख बंद करो, कपड़ा डालो।
इसी तरह से भजन बराबर सब लोग करते रहना, और नामधुनी जय गुरुदेव की जो बताया है इसको भी बराबर करते रहना, और बराबर अब जय गुरुदेव बोलते रहना, और आप आज से कोई भी मांस मछली अंडा मत खाना, और शराब या शराब जैसा बेहोश करने वाला नशा उसको भी छोड़ देना, और साधना करना तो देखना उसमें गुरु महाराज की दया आपके ऊपर होगी। तो बोलो जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, चलते चलाते बता दूं आपको, ये 2021 का साल 2020 से खराब जाएगा, इसमें तकलीफें हर तरह की आएंगी, और पीछे जो तकलीफें हुई लोगों को वो सब भूल जाएंगी इन तकलीफों के आगे, इतनी तकलीफें आएंगी हर तरह से। मोटी बात आपको बता दे रहा हूँ, समय अच्छा आएगा लेकिन खराब समय पहले आएगा, इसमें बड़ी सावधानी से रहने की ज़रूरत है। धार्मिक भावना रखना है, बच्चों को भी धार्मिक बनाना है, ईश्वरवादी बनाना है, आप समझो ध्यान भजन कराना है लोगों को, नामदान दिला करके आत्मा के कल्याण का रास्ता बताना है, ये सब चीज़ें जो हैं ये बचत में सहायक होंगी, खराब समय में आपके लिए लाभकारी रहेंगी, तो ये आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ हमारा कोई कार्यक्रम नहीं था, हमको तो चलाला जाना था, लेकिन प्रेमियों ने कहा कि 2 घंटे का कार्यक्रम यहाँ भी कर दीजिए, तो मैं इधर चला आया, अब जाऊँगा चलाला, चलाला में कल कार्यक्रम दिन में होगा, और उसके बाद में फिर परसों जाऊँगा चौकड़ी, और फिर जाऊँगा आपके अहमदाबाद। बराबर मैं लगा हुआ हूँ, आप समझो 6 तारीख को उज्जैन आश्रम से निकला हूँ, और तो मध्य प्रदेश में किया, महाराष्ट्र में किया, फिर आपके इधर गुजरात में आ गए, और फिर अब आपके इधर से अब इधर आगे प्रोग्राम बनाऊंगा, जाऊंगा, बराबर लगा हुआ। आप जो पुराने लोग हो थोड़ा सा अगर आप सहयोगी बन जाओ तो जल्दी काम हो जाएगा, बहुत से लोगों की जान बच जाएगी, आप ये समझो अगर आप कोशिश करोगे तो, और नहीं तो जान जाने का खतरा सबके ऊपर मंडरा रहा है। आपको ये नहीं पता है कि जब तकलीफें आती हैं तो सबके ऊपर आती हैं, तो आपको तो अपने परिवार को बच्चों को रिश्तेदारों को मित्रों को ही बचा पाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप पुराने लोग भी थोड़ा सा आप सक्रिय हो जाओगे तो अच्छा रहेगा। बोलो जय गुरुदेव। एक प्रार्थना होगी और उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर के नजर करो मेरी ओर, दया के नजर करो मेरी ओर, दया के निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, जैसे चंद्र चकोर, जय दया के नजर करो मेरी ओर, दया के जानू न को न भूल हुई तन से, जानू न लियो हम से मुख मोड़, लियो दया के नजर
करो मेरी ओर दया की, बालक जानी शूक बिसराओ, बालक जानी शूक बिसराओ, आया शरण अब मैं तोरया, दया के नजर करो मेरी ओर दया की नजर करो मेरी ओर, सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, सदा मेरी बेरिया कस भयु कठोर, मेरी बे हृदया के नजर करो मेरी ओर दया के, हव के बार उबार ले वजो, अब के फिर न डरब पग यहीं गौर, फिर न दया के नजर करो मेरी ओर दया के, अब के बार उबार ले वजो, अब के बार फिर न डरब पग यही मगवोर, फिर न दया के नजर करो मेरी ओर दया के, मेहर के नजर करो मेरी ओर मेहर के, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव